नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आपने वो न्यूज़ तो सुना ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस के रेट में कुछ बदलाव किए हैं, और यह बदलाव जो है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो चलिए पहले गवर्नमेंट के इस न्यूज़ को देख लेते हैं। 7th पे कमीशन के तहत हमारी गवर्नमेंट ने डीएनएस अलाउंसेस के रेट में कुछ बदलाव किए हैं, और यह बदलाव जो है वह कब से प्रभावी होंगे? 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे। बात आती है कि इस डिसीजन से किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को लाभ मिलेगी। तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर संतोष गंगवार ने कहा है कि इस डिसीजन से लगभग 1.5 करोड़ सेंट्रल सेक्टर के वर्कर्स को लाभ मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि यह किसके लिए एप्लीकेबल है, तो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइंस, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा, इन सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। अब बात आती है कि इस न्यूज से, यह न्यूज जो है वो हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इस न्यूज ने बहुत से क्वेश्चंस को अराइज किया है, इसने बहुत से क्वेश्चंस को जन्म दिया है। देखिए, पहली बात तो यह कि यह 7th पे कमीशन क्या है, पेइंग कमीशन क्या होती है, डीएनएस अलाउंसेस क्या है, क्यों दिए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा, गवर्नमेंट ने यह डिसीजन 7th पे कमीशन के तहत ली है। तो पहले देखते हैं कि यह पे कमीशन क्या है, पेइंग कमीशन क्या होती है। तो पेइंग कमीशन जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इसका मेन काम क्या होता है, तो यह मेनली रिकमेंडेशन का काम करती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है, एडवाइस देती है कि जो उनके इम्प्लॉय हैं, से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्प्लॉय हैं और जो मिलिट्री है, उनकी सैलरी क्या होगी, सैलरी कैसे डिसाइड किया जाए, कौन से ग्रेड यानी कौन से रैंक को कितना सैलरी दिया जाएगा, इसमें कितने बदलाव, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो एक्सेट्रा। तो ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने का काम करती है पेइंग कमीशन, जिसे सेंट्रल पे कमीशन भी बोला जाता है। हमारे इंडिया में अब तक 7 सेंट्रल पे कमीशन बन चुके हैं, और ये जो नया डिसीजन लिया गया है, यह 7th पे कमीशन के तहत ही ली गई है। तो जो पहला पेइंग कमीशन था वह जनवरी 1946 में बना था, दूसरा अगस्त 1957, तीसरा अप्रैल 1917, चौथा जून 1983, पांचवा मई 1994, छठा जुलाई 2006, और जो 7th है वह फरवरी 2014 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। देखते हैं कि डीएनएस अलाउंसेस क्या है, गवर्नमेंट डीएनएस अलाउंसेस क्यों देती है। डीएनएस अलाउंसेस का मतलब महंगाई भत्ता होती है। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट जो है वह अपने एम्प्लॉय को इस महंगाई के बढ़ते के कारण, तो जो उनका बेसिक सैलरी होता है उसमें एक स्पेसिफिक रेट से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके उनके सैलरी में देती है, जिसे डीएनएस अलाउंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए किसी का सैलरी 50,000 रुपये है, और डीएनएस अलाउंसेस जो है वह 10% से दिए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो व्यक्ति को 50,000 मिलता है, ये सैलरी सैलरी का अमाउंट 50,000, इसमें इसका 10% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके उसके सैलरी में देगी। तो ये जो 10% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुआ, उसे ही डीएनएस अलाउंसेस कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक रेट से दिया जाता है। बात आती है कि गवर्नमेंट क्यों देती है, गवर्नमेंट महंगाई भत्ता क्यों देती है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे बढ़ते महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट देती है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वह डीएनएस अलाउंसेस अपने एम्प्लॉय को देती है। गवर्नमेंट मेनली पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को यह डीएनएस अलाउंसेस दिए जाते हैं। बात कर रहे हैं हम डीएनएस अलाउंसेस की, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या जो डीएनएस अलाउंसेस दिए जाते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट जो है क्या हमसे टैक्स चार्ज करती है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको आगे में बता ही दूंगी।
देखिए, डीएनएस अलाउंसेस जो है वो अभी करेंट जो है वो 17% है, और यह 1 जुलाई 2021 से जो है बढ़कर 28% हो जाएगी। बात आती है कि डीएनएस अलाउंसेस कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही डीएनएस अलाउंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। डीएनएस अलाउंसेस दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस, दूसरा वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस। इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस का मतलब क्या है कि जो वैसे अलाउंसेस जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को देती है उसे इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस कहते हैं। बात करें हम वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस की, जैसे इसका नाम से ही लग रहा, वेरिएबल मतलब वेरी करता, जिसके अमाउंट में चेंजमेंट आती है। तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉय को जो अमाउंट देती है, महंगाई भत्ता देती है, उसमें क्या होता है कि चेंजमेंट किए जाते हैं। साल में मिनिमम 2 बार चेंजमेंट किए जाते हैं, हर एक 6 महीने पे, हर एक 6 मंथ के इंटरवल पर इस डीएनएस अलाउंसेस के अमाउंट में चेंजमेंट की जाती है। एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे, मतलब कि जो डीएनएस अलाउंसेस के रेट है उसमें कैसे बदलाव करती है। तो देखिए, इसमें बदलाव जो भी किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसे CPI IW भी कहते हैं, इसी के बेसिस पे किया जाता है। अब ये CPI IW क्या है? तो ये एक तरीके का प्राइस इंडेक्स होता है जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर ब्यूरो है, उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्या होता है CPI IW? देखिए, जो भी कंज्यूमेबल गुड्स है या तो कॉमोडिटी को, जो भी कंज्यूमेबल कॉमोडिटीज हो गए, तो जो हम कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, तो उसके एवरेज प्राइस में, जो भी रिटेल प्राइस में जो चेंजमेंट आती है, तो इसी चेंजेस के बेसिस पर ही क्या किया जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो डीएनएस अलाउंसेस को रेट को डिसाइड करती है कि क्या रखा जाएगा, कितने से बदलाव किए जाएंगे। और गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन ली है जिससे कि डीएनएस अलाउंसेस में चेंजमेंट की गई है, तो इससे क्या होगा कि जो डीएनएस अलाउंसेस जो अभी दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उस अमाउंट में 105 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रति महीने से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, यह कुछ एक अच्छी खबर सुनने को मिली इस कोविड के ड्यूरेशन में, जिससे लोगों की काफ़ी हेल्प भी हो सकती है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या गवर्नमेंट जो है वो डीएनएस अलाउंसेस के अमाउंट पर टैक्स चार्ज करती है, तो इसका आंसर यस है। जी हाँ, हम गवर्नमेंट को इस डीएनएस अलाउंसेस के अमाउंट पर टैक्स पे करते हैं। तो यह था आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। आई होप आज के इस वीडियो से आपके ज्ञान के भंडार में कुछ ज्ञान तो गया ही होगा कि ये पे कमीशन क्या है, पेइंग कमीशन क्या है, डीएनएस अलाउंसेस क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।